ये इतने ताम झाम जैसे कि गेट पे फैला हुआ, तो गेट पे वैसे बहुत जूता चप्पल है, तो वापस इसके अंदर आ जाता है तो लगता है कि हाँ चलो ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैंने सोचा कि फिर मैं आज छोटा सा ब्लॉग बना लूँ, 3-4 मिनट का ही बनेगा, आप पूरा देख लेना, क्योंकि मैं अभी आपको बताई थी ना मैं छोटा छोटा ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी आईडी कुछ खास बंद हो गई है, तो इसलिए मैं ट्राई कर रही थी कि अगर देखते हैं। तो कल ब्लॉग नहीं डाला, तो अनम भी पूछ रही थी रात को कि मम्मी आपने देखो चढ़ गई अब के बोलेंगे बाद में बोलेंगे चलो ठीक है सॉरी। हाँ तो मैंने कल ब्लॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरा पूरा टाइम ना कल मशीन चलाने में निकल गया। तो एक प्लाजो था नया ही था, उसको मैंने कट करके दोबारा से बनाया, और एक और प्लाजो था उसे भी कट करके फिर से बनाया, और एक फ्रॉक था हमारा जिसकी मैं कल सिलाई करी थी, आस्तीनें छोटी करी हूँ अपने हिसाब से बनाई होगी, लंबी थी पूरे 18 इंच का, तो नमाज पढ़ने के लिए वो मुड़ के ऊपर नहीं आता था, तो मैंने काट के उसे 5 इंच का बना दिया ताकि मैं वजू कर सकूँ। तो पूरा दिन मेरा सिलाई मशीन पूरा, तो क्या आधा दिन निकल गया और आधा बचा था, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इसलिए तो मैंने सोचा कि मैं आज क्यों ना मैं छोटा सा ब्लॉग डालूं, क्योंकि मुझे कल 3-4 लोगों ने पूछा फेसबुक पे भी, और अनम भी रात को मैसेज करी थी कि अम्मी आपके ब्लॉग नहीं आई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं बता दूं, अभी भी मेरी शक्ल ऐसी लग रही मैं बीमार हूँ थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है बस, और कोई दिक्कत नहीं है, और अभी शाम का टाइम है, शाम का क्या 5 बज रहा है 5:30, और ये बच्चा लोग अभी खेल के गए थे, देखो क्या हालत कर दिया है, तो सारे अभी बाहर है, कुछ छत पर है, कुछ बालकनी में वगैरह, और अभी भी मैं इतने सारे कपड़े धो के आई हूँ, कुछ बहुत सारे तो घर में ऐसे ही पड़े, क्योंकि मैं एक हफ्ता से कपड़े भी नहीं धोई हूँ, तो ये सारे काम है। और मैं अभी चलो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तो ये दो है देखो, ये तो मैंने पहना था कई बार पर ये मुझे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि इसकी ये जो चौड़ाई थी ना ये कुछ ज़्यादा ही था, अगर मैं बताऊँ तो इतना था, मतलब बहुत ज़्यादा डबल था, तो मैंने इसको नॉर्मल कर दिया है काट पीट के, तो मैं यही सब काम कल करी थी। और एक और ये मेरा फ्रॉक है, मैं इन्हें भी दिखा देती हूँ खोल के, पूरा पुराना है नया नहीं है, तो ये फ्रॉक है पड़ा था, और ये मुझे बहुत टाइट हो रहा था, तो मैंने इसे पहले का था तो मैं थोड़ा सा पतली थी, और अभी ये मैंने इसे खोला है, और इसकी आस्तीन को मैंने छोटा करा है, मैं अगर आपको बताऊं तो इतना, ये देखें, और भी दो एक और था येलो कलर का जिसके कपड़े यहाँ पर बचे हुए हैं, ये वाला मैंने काट के निकाल लिया है धोने में, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती, और ये वाला ठीक करा, तो ये सारे काम में मेरे चले गए। मैं ये वाला फ्रॉक काफ़ी पुराना, तो मैं बहुत दिन से पहनी भी नहीं हूँ, पर अभी गर्मी आ गई तो अभी तो मैंने कपड़े रख दिए। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ में देखें, आप ये देखें, और ये मिरर है, तो यहाँ पर मैं कुरान शरीफ रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे जितने सारे पार्सल वार्सल के सामान है ये सब यहाँ इकट्ठा हो गया है, मैं अभी दिखाती हूँ कि इन सब में क्या क्या है। ये इतने ताम झाम, इसमें तो एक ये पार्सल है जो कि खोल के तो हमने देखा है, अभी आपको भी दिखाती हूँ, ये लड़ी है जो बर्थडे के लिए, फैजान के बर्थडे के लिए हम गुब्बारा मंगवाया था, ये देखें, तो ये बर्थडे के बाद आया तो मैंने यूज़ नहीं करा है, और अभी वैसे जून में जोया का बर्थडे आने वाला है तो हम ये यूज़ कर लेंगे, और ये भी तो ये भी पार्सल मैंने मंगाया था आपको ब्लॉग में, तो मैंने दिखाया था, दिखा दूं फिर एक बार, ये जो एलरी बच्चों लोग के लिए मंगाई थी तो ये भी मैंने इसी में रख दिया है। तीसरा ये मेरा स्टैंड, ये 800-900 रुपए का मुझे पड़ा था, पर मैं ये यूज़ नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही रखा, मेरा न्यू है पर मैं ये यूज़ करूँगी, बहुत अच्छा है। और एक और ये वाला भी मैंने मंगाया था सेल्फी वाला, ये भी मेरा स्टैंड है आप देख सकते हो,
और ये देखो मैंने खोल कर रखा है, और ये माइक ब्लॉगिंग करने के लिए, और ये चार्जर वाली लाइट्स है। तो ये इतने सारे ताम झाम मैं इसमें रखती हूँ ताकि ये ना मुड़े नहीं और टूटे नहीं। इनको साइड करती हूँ, पता नहीं क्या है। और ये स्टैंड आप देख रहे हो, ये भी बाइक स्टैंड है। यहाँ पर देखो दिख रहा है ना, ये शाहिद मंगवाया अपने लिए बारिश के लिए। तो मैं इन्हें निकाल के दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान है। ये देखें, आजकल मैं बता चुकी जोमेटो में ज्वाइंट हुए हैं तो बारिश से बचाने के लिए। पर जो स्टैंड फोन जो बाइक में लगाया था ना, वो कल चोरी हो गया है साइड का। जब डिलीवरी देने के लिए गए थे तो स्टैंड कोई खोल कर ले गया है, बस ये रह गया दो चीज़। एक ये फ्लिपकार्ट का पार्सल आया था इसमें हमारा, और ये वाला स्टैंड का डब्बा है। ये देखें, ये लाइट्स ब्लूटूथ बैट सेल भी है, और ये इसका स्टैंड ये है जो मैं अभी आपको दिखाई। तीसरा ये जो फ़ोन का डब्बा है, ये कुछ महीने पहले ही फ़ोन लिया था जो चोरी हो गया अब। लेकिन अब दो महीने बाद किस्त पूरी होने के बाद नई न्यू फ़ोन निकाल लेंगे, तो ये सब डब्बे पड़े हैं। तीसरा इसमें कुछ नहीं, ये मिठाई का डब्बा है, जो कि मुझे कोई डब्बा अच्छा लगता है तो इसमें सारे कुछ कागज़ वगैरह है, और बच्चों ने क्या क्या सामान जो भी कागज़ की ज़रूरत पड़ती है वो हम इसमें रख देते हैं ताकि मुड़े नहीं। और ये इतने सारे ताम झाम, और ये जो डब्बा है ना, ये भी फ़ोन स्टैंड का है जो कि शाहिद ले गए अपने साथ में, ये खाली पड़ा है। तो देख रहे हो इतने सारे सामान यहाँ है। तो ये सब चीज़ ना सर के ऊपर रहता है सवार, किसी के डब्बे हैं किसी के नहीं है, कुछ खाली है। और ये वाला डब्बा खाली, सिर्फ यही डब्बा खाली है, बाकी सब में कुछ ना कुछ। ये खाली इसलिए है क्योंकि मैंने ना इसमें बेल्ट रखा था जो कि अभी नहीं है मैंने, पर मैं जल्दी डब्बा फेंकती नहीं हूँ, किसी ना किसी चीज़ के यूज़ में रख लेती हूँ। बेड के नीचे भी मैंने बहुत सारे डब्बों में बहुत सारा कुछ ना कुछ करके रख रखा है। तो अभी मैं फटाफट ये सब को पहले पैकिंग कर देती हूँ, नहीं तो इतना फैलावा हो गया है ना। आप लोग ब्लॉग पूरा देख लेना, देखते रहना, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो एकदम देखा नहीं जाए आपसे। तो मेरी ना एक आदत है, मैं कोई भी चीज़ फैला के नहीं रखती, फैलावा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। शूज़ भी आता है अगर बच्चे लोग का, तो मैं शूज़ भी डब्बा में ही शूज़ के छोड़ देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कुछ दिन पहले ही आए थे, मैंने ब्लॉग भी सबके बना रखे हैं। इन सब में भी जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं तो मैं जूता वापस इसी में डाल देती हूँ, जिससे कि गेट पर फैलावा, तो गेट पर वैसे बहुत जूता चप्पल है, तो वापस इसके अंदर आ जाता है तो लगता है कि हाँ चलो। ये देखें फैजान के और जोया के हैं, बस हमजा का दूसरे कमरे में रहता है। तो मेरे कपड़े भी होते हैं ना, मैं एक भी इधर उधर नहीं देख पाती, जो भी चीज़ें मैं समेट कर रख देती हूँ जिससे कि देखने में भी अच्छा लगे। मशीन का भी कल मैंने उद्घाटन कर दिया था, तो मशीन को भी मैंने क्लियर खल करके रखा है, क्योंकि अभी मम्मी भी साड़ी देके गई है सिलने के लिए, नानी ने भी कुछ कपड़े दिए हैं, तो मैंने निकाल लिया कि मैं कभी भी निकाल के बाहर और कपड़े सिल सकती हूँ। और बच्चे भी कितना फैलावा कर रहा है। जोया क्या कर रहे हो, खोलो, ये सब क्या हो रहा है? तो अभी शाम का टाइम है तो मैं शाम का चाय भी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं ये पोछा धो लूँ, क्योंकि मैं यहाँ कपड़े धोई हूँ लेकिन पोछा धोना भूल गई। तो पोछा तो धुल गया हमारा, और मैंने चाय चढ़ाया था, देखें वो भी बनने ही वाला है। ये देखें, और अभी सारे बच्चे भाग के आ रहे होंगे चाय पीने के लिए, और पानी भी भर गई सारी। ये देख क्या हुआ, कहाँ आए हो, क्या करने आए हो? जोया आओ नीचे, कूदो मत।
बच्चा लोग के साथ चाय पीना ना मुसीबत है, इतनी बातें वो लोग करते हैं। तो अभी शाम का 7:30 बज गया है, 2 घंटे हो गए, मैं 2 घंटे से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर देना और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़। मैं नेक्स्ट ब्लॉग उम्मीद करती हूँ कि अलग कैटेगरी में बनाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ पूरी वीडियो आप लोग देख लोगे तो हमें 1 व्यूज़ मिल जाएगा। तो देखने के लिए थैंक यू।